मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से और आज हम आपको बताने वाले हैं पटना पायरेट्स कबड्डी टीम का इतिहास और उनके स्केड्यूल के बारे में। प्रो कबड्डी की सबसे सफल टीम पटना पायरेट्स है जिसने अब तक 6 सत्रों में से 3 में जीत हासिल की है। चैंपियंस के रूप में उनका शासन पिछले सत्र में समाप्त हो गया जब वे अपने इतिहास में पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकामयाब रहे। परदीप नरवाल पर निर्भरता और एक अस्थिर बचाव का मतलब है कि पटना के चौथे मुकुट की उम्मीदें समय से पहले धाराशाही हो गई। जल्दी बाहर निकलने के बावजूद पटना पायरेट्स ने आगामी सत्र के लिए कोच राम मेहर सिंह पर विश्वास बनाए रखा। पटना पायरेट्स का लीग में शानदार रिकॉर्ड है, हालांकि खिताब की हैट्रिक हासिल करने से पहले 2 सत्रों में सेमीफाइनल तक पहुंचे। इस सत्र में अपने खिताब को दोबारा हासिल करने के लिए पटना पायरेट्स की बोली को तब झटका लगा जब नई नियुक्ति करने वाले सुरेंद्र नाडा को चोटिल होने से बचा लिया गया। खेल के सर्वश्रेष्ठ बाएं कोनों के रक्षकों में से एक को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम को अधिक रक्षात्मक स्थिरता और अतिरिक्त अनुभव प्रदान करने के लिए लाया गया था। उनके अनुपस्थिति में पटना पायरेट्स के लिए खेल जीतने का जिम्मेदारी एक बार फिर से नरवाल पर होगा। वीवो प्रो कबड्डी 2019 सत्र के पहले मैच में जो गाचीबोली इंदौर स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जहां पर बेंगलुरु बुल्स ने पटना पायरेट्स के खिलाफ खेला और स्कोर लाइन 34-32 थी। ये है पटना पायरेट्स के आने वाले मैच का स्केड्यूल। 26 जुलाई को पटना पायरेट्स खेलेगी तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, 29 जुलाई को वो खेलेंगे तमिल थलाईवास के खिलाफ, 3 अगस्त को पटना पायरेट्स खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ, 4 अगस्त को पटना पायरेट्स का सामना होगा पुनेरी पल्टन से, 7 अगस्त को पटना पायरेट्स हरियाणा के स्टीलर से लड़ेंगे, 9 अगस्त को पटना पायरेट्स का दाव लगेगा यूपी योद्धा के सामने और 16 अगस्त को यू मुंबा लड़ेंगे पटना पायरेट्स के खिलाफ, 22 अगस्त को बंगाल वॉरियर्स पटना पायरेट्स के सामने होंगे, 23 अगस्त को गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स पटना पायरेट्स के सामने होंगे, 30 अगस्त को दबंग दिल्ली पटना पायरेट्स के सामने होंगे, 4 सितंबर को पटना पायरेट्स बेंगलुरु बुल्स के सामने होंगे, 6 सितंबर को उनका मुकाबला यूपी योद्धा से है, 9 सितंबर को तमिल थलाईवास के साथ मुकाबला होगा, 12 सितंबर को जयपुर पिंक पैंथर्स फिर से पटना पायरेट्स से लड़ेंगे, 15 सितंबर को पुनेरी पल्टन पटना पायरेट्स के सामने होंगे, 20 सितंबर को तेलुगु टाइटंस का मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा, 23 सितंबर को पटना पायरेट्स का मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स से, 26 सितंबर को पटना पायरेट्स दबंग दिल्ली के सामने होगी, 2 अक्टूबर को न्यू मुंबा का मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा, 5 अक्टूबर को गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स पटना पायरेट्स से लड़ेगी और 6 अक्टूबर को बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला पटना पायरेट्स से होगा जो 7:30 बजे स्टार्ट होगा। ये थी पटना पायरेट्स की स्केड्यूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।